स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ स्लेहा खान और आइए नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी खास खबरों की ओर। 42वीं वाहिनी एसएसबी नानपिरा जिला बहराइच की सीमा चौकी रुपई हेड़ा के अजय यादव सहायक सेना नायक को सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कुछ अवैध सामान लेकर नेपाल की ओर जा रहा है। वहीं सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसएसबी की टीम ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोग्य धाम थेरेपी सेंटर एनजीओ राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्ना आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता दीपा शर्मा, हेमंत यादव और अनेक एनजीओ के तमाम वॉलेंटियर्स के साथ 19 मार्च से शुरू हो रहे जंतर मंतर दिल्ली में विश्वव्यापी न्यायशील जनाधिकार जन आंदोलन पर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय संस्था शिक्षा और अनुसंधान ने हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में गोल्डन स्टार अवार्ड 2016 का आयोजन किया, जिसमें देश के सबसे अच्छे पेशेवर डॉक्टर्स सामाजिक प्रतिद्वंद्वताओं को प्रेरित करने के अनेक और उनके समाज के लिए जीवन को प्रभावित करने के लिए पुरस्कृत किया गया। छत्रपति शिवाजी कॉम्प्लेक्स उद्घाटन के दौरान रौनिया और वैश्य महासभा महाराष्ट्र की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान प्रसाद, महिला अध्यक्ष लीला गुप्ता सहित कई बड़ी हस्तियों का स्वागत किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र में संगठन बनाने पर चर्चा हुई। रेस्टोरेंट और ढाबे में खाना सस्ता हो सकता है। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने 50 लाख रुपए तक का सालाना टर्नओवर वाले छोटे होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों के लिए जीएसटी की दर 5% तय करने को मंजूरी दे दी है। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल या मौत होने की हालत में इंश्योरेंस कंपनी के तीसरे पक्ष की जिम्मेदारी खत्म कर दी है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ज़्यादातर कैटेगरीज के मोटर वाहनों के लिए करीब करीब 50% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। उबर ग्रेबॉल नाम का एक फीचर यूज कर रहा है, जिसमें उबर कैब बुक करने वाले रेगुलेटरों की पहचान कर लेता है। साथ ही जो ये सबूत जुटाने की कोशिश करते हैं कि क्या नया उबर स्थानीय कानून को तोड़ रहा है। सोने की कीमतों में भारी गिरावट 30,000 रुपए पर, बता दें जिसमें सोने का स्टैंडर्ड 75 रुपए की गिरावट के साथ 30,105 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। बाइक बॉक्सर लोगों को एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। 100cc बॉक्सर की बेहतरीन सफलता के बाद बजाज कंपनी ने पहले भी 150cc बॉक्सर लॉन्च की थी। उस वक्त 150cc सेगमेंट सबसे सस्ती बाइक थी। बढ़ती महंगाई की मार धार्मिक यात्राओं पर भी पड़ सकती है। बता दें इस साल चार धाम यात्रा पर जाने वालों की पिछली बार के मुकाबले करीब 20% अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसकी वजह डीजल के दामों में बढ़ोतरी बताई जा रही है। मेरे साथ व्यापार जगत से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।